नमस्कार दोस्तों, वीडियो भंडार यूट्यूब चैनल और वीडियो भंडार फेसबुक पेज में आपका स्वागत है। भाई आज इस वीडियो में ना आप लोगों को आइसर ट्रैक्टर दिखाऊंगा, कमानी वाला। और इस ट्रैक्टर में बहुत कुछ ओरिजिनल है, आज का साथ का है, पेंट भी साथ का है लगभग। वैसे हो रखा है, दोबारा पेंट करवा रखा है, पर वो उतर गया सारा। लेकिन इस ट्रैक्टर ना खास बात, एक चीज़ बताऊँगा आप लोगों को, दिखाऊँगा साथ के साथ पूरी वीडियो में इस ट्रैक्टर के अंदर। एक तो सबसे अच्छी बात यह है भाई, इस ट्रैक्टर का डीजल खर्चा आज के ट्रैक्टरों के मुकाबले आधे से भी कम है। ये मान चलो, जैसे जो काम ये जो ट्रॉली में जैसे गन्ने की ट्रॉली ले कर जो ये काम कर रहा है रोड पे, ये और ट्रैक्टर अगर इसके मुकाबले जैसे तो दूसरे ट्रैक्टर हैं जो इसकी इसके समान एचपी जैसे 24-25 एचपी में वो अगर 2.5 लीटर तेल ले रहे होंगे तो ये 1 लीटर तेल लेगा। और इस ट्रैक्टर के ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। आज भी जैसे मान लो ट्रैक्टर इतना पुराना हो गया और स्पेयर पार्ट की बात आती है, बस स्पेयर पार्ट मिलेगा कैसे? ये ट्रैक्टर 1970 से लेकर 75 के बीच का है ट्रैक्टर, 74 के बीच का मॉडल है ये। और उस टाइम के बने हुए ट्रैक्टर में आज भी जो आइसर जो आज ओरिजिनल आता, नया आता बिल्कुल, उसका सामान ऐसे का ऐसे लगभग लग जाए इंजन को लेकर, गेयर बॉक्स को लेकर। और इसमें लगभग जैसे हम बात करें भाई, 6 गियर आते हैं शायद इसमें, 6 गियर के साथ में ट्रैक्टर है। गियर स्पीड भी रेशो बहुत ज़्यादा है, वैसे ये ट्रैक्टर है ही स्लो स्पीड में। और फिर भी जैसे सबसे बड़ी बात एक और चीज़ बताता हूँ, इस ट्रैक्टर में क्या है, कंपनी ने आगे कमानी लगा के दी थी ताकि जब ट्रैक्टर रोड पर चलेगा तो गड्ढे वगैरह में गड्ढों लगने के चांस कम हो जाएंगे। और कमानी की लाइफ बहुत अच्छी होती है, बहुत लंबी होती है, इनकी थोड़ी केयर करो तो कभी कोई दिक्कत नहीं आती, छोटी मोटी लाइन आउट हो जाती है। और जो इसके आगे है ना पूरा प्रॉपर बड़ा रेड कलर में चाहे बीच में आइसर लिखा होता है, यहाँ पर लिखा होता है एयर फ्रेम, और गोल स्मूथ अलग सी लुक में है गोल मटोल। ये देखो आप इसकी एयर क्लीनर की, ओरिजिनल एयर क्लीनर इसका, इसमें यहाँ पे नीचे तेल दे दिया, बीच में फिल्टर दे दिया और ऊपर एयर कैप दे दी, और साथ में यह वाल होगी क्योंकि आइसर साथ में ये फैन बेल्ट के साथ, जो फैन को घुमाने, एयर कूल्ड इंजन होता था ये, तो उस फैन को घुमाने के लिए यहाँ पर पुली पे पत्ती लगा दी ताकि कोई दिक्कत ना आए। और इसमें ना हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक पंप अलग से आता था ताकि जब आपको लगाना तो अपने पुली चढ़ाओ, नहीं तो अपने इसको बंद रखो ताकि ट्रैक्टर पावर कम से कम लॉस हो। तो और ब्रेक स्टाइल इसमें एक अलग है, अलग टाइप का ब्रेक स्टाइल दे रखा है, ये हाथ वाली रेस रखवा रही, वैसे रेस इसमें ये आती थी, यहाँ पर अपना इसका डैशबोर्ड होता था। और इतना पुराना ट्रैक्टर हो लिया ये, आज तक इस ट्रैक्टर में जंग नहीं लगा। आप देखो ध्यान से, आप भी लोहा बिल्कुल एकदम ठोस लोहा बोल रहा है एकदम, और ठोस लोहा, इसके रिम बदले हुए हैं भाई, रिम बदले हुए इसके, ठोस लोहा है बोलता आज भी ट्रैक्टर में। और पीछे देखो लिफ्ट सिस्टम में, इसमें क्या होता था, हाइड्रोलिक जैक देती थी कंपनी, ये प्रॉपरली एक हाइड्रोलिक जैक लगा देती थी जो कि हाइड्रोलिक जैक से उठना और नीचे गिरना होता था लिफ्ट पट्टी को। और इसमें ना लॉक लगाने के लिए जो रोड दी है यहाँ पे, इसमें कील डल जाती थी तो उसमें लॉक लग जाता था ट्रैक्टर का। ये उस ज़माने के 6 स्प्लाइन की पीटीओ डाल रखी है इसमें, ये उस ज़माने के काफ़ी अच्छे ट्रैक्टर रिडक्शन के साथ में आता था। और इसका रिडक्शन ना स्ट्रेट में बिल्कुल एकदम खड़ा होता है, आजकल ट्रैक्टर रिडक्शन थोड़ा पीछे कर दिया लेकिन इसका स्ट्रेट खड़ा होता था। जैसे कई बार ट्रैक्टर की जैसे आगे से उठने की समस्या होती थी तो इसको थोड़ा पीछे कर दो तो वो भी इसकी मशीन में भी समस्या, जैसे भी देखो समय के हिसाब से सुधार होते रहे हैं मशीनों में, तो वो एक अलग चीज़ है। बाकी इस ट्रैक्टर में भी उस टाइम का ज़माने का बहुत बादशाह ट्रैक्टर कहूँगा मैं तो ज़मींदारों के लिए, जैसे जो छोटे ज़मींदार हैं आज भी जैसे अपना जो ट्रॉली का काम कर रहे हैं, रूटीन में जो काम कर रहे हैं डेली रूटीन में, तो वहाँ इस ट्रैक्टर का डीजल खर्चा बहुत ही थोड़ा है और स्पेयर पार्ट पूरा मिल जाता है। आगे वेट भी आता था, कंपनी फिटेड वेट होता था, एयर कूल्ड इंजन के साथ में होता था ट्रैक्टर, सिंगल सिलेंडर अपना 6 गियर के साथ में आता था, पीटीओ गियर भी दिया है यहाँ पे इसका, सीट इसकी अपना चेंज करवा रखी, वैसे सीट इसकी अलग होती थी दूसरी। तो यही चीज़ें देखो, फट्टी भी काफ़ी पुरानी फट्टी यहाँ काट की, जैसे पहले काट की फट्टी आती थी ट्रैक्टरों पर, तो ये बड़ा सही मजबूत ट्रैक्टर बना रखा है जमींदार, एक सच्चा साथी कहते हैं जिसको, जो आइसर कंपनी आज भी जो ट्रैक्टर सेल कर रही है वो इन्हीं ट्रैक्टरों के कारण कर रही है, क्योंकि उस टाइम पर ज़मींदारों के पास पैसे नहीं होते थे भाई, जैसे बहुत महंगाई होती थी, मतलब ज़मींदारों के पास पैसे बहुत कम होते थे भाई, नाज होता था पहले के जो जैसे वस्तुओं का आदान प्रदान होता था ज़्यादातर, भाई नाज के बदले कुछ और सामान मिल गया, उसको नाज मिल गया, हमें सामान मिल गया, इस तरीके से चलता रहता था, पैसे का पहले प्रचलन कम था। बाद में धीरे धीरे किसानी में भी हरित क्रांति आई तो धीरे धीरे करके ज़मींदारों के पास पैसा आना स्टार्ट हुआ। अब भी थोड़ा सा तंगी चल रही है अभी पैसों की को लेकर, क्योंकि MSP पे काफ़ी बड़ा चल रहा है हंगामा, MSP होना चाहिए वैसे ज़मींदारों के लिए फसल पे। तो अब तो ट्रैक्टर जैसे नए नए बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन ये ट्रैक्टर आज भी डीजल खर्चे में, इनके इंजनों में पता नहीं ऐसा क्या लगाया था उन्होंने बनाने वालों ने, और ये ओवर स्केयर इंजन होता था इसका, 100
20 का के करीब का बोर होता था और जितना मेरे को ध्यान 115 का बोर और 150 का स्ट्रोक होता था और स्केयर इंजन होता था। तो भाई यही चीज़ दिखाना और बताना चाह रहा कि भाई जिस भाई के पास ये ट्रैक्टर है तो इनको संभाल कर रखो, और जो बंदा जैसे रूटीन में जैसे अपना जैसे भैंसों का हरा चारा लेने जाना है, स्प्रे करना है, ट्यूबवेल पानी पे पानी के ट्यूब पंखे पे चलाना है, तो उस जगह इस ट्रैक्टर चलाओगे ना आप, ये ट्रैक्टर बहुत कम डीजल लेगा और बहुत अच्छा काम करेगा। और मेंटेनेंस जैसे आप कहीं भी काम करवा लो, इसका सामान आज वाला लग जाता है और डिफरेंशियल लॉक वगैरह सारी सुविधाएँ दी गई थी इस ट्रैक्टर के अंदर। तो भाई जैसी वीडियो लगे कमेंट करके जरूर बता देना, वीडियो पसंद आए चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो लाइक करना शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।